रेनबो हॉस्पिटल में चली दो दिवसीय आर्ट थेरेपी स्ट्रेस रिलीफ पर आयोजित पेंटिंग कार्यशाला सोमवार को समाप्त हो गई। इस कार्यशाला में पुणे से आई पॉटरी आर्ट की महारत हासिल आर्टिस्ट पूर्वा खंडेलवाल ने शहर की महिलाओं और युवतियों को स्ट्रेस को दूर करने वाली पेंटिंग का प्रशिक्षण दिया। तो हम लोग ये एक साउथ वेस्ट अमेरिका के ट्राइबल लोग हैं जिनका नाम पुएब्लो है। तो ये पुएब्लो की कलाकारी है जहाँ वो खुद पॉट्स भी बनाते थे और पॉट्स के ऊपर बहुत सुंदर डिज़ाइंस भी करते थे। तो ये तो हम बहुत छोटा सा, आप कह सकते हैं छोटा सा कोर्स कर रहे हैं जहाँ एक इंट्रोडक्शन दे दिया कि पुएब्लो पॉटरी कैसी होती है, उसके कैसे कलर्स होते हैं। तो उसमें से जो सबसे एक अट्रैक्टिव वाले कलर्स हैं वो ब्लैक एंड वाइट हैं, तो इसलिए हम ये दो दिन के वर्कशॉप में सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कर रहे हैं। रेनबो हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा ने बताया कि तनाव को कम करने में पेंटिंग भी एक माध्यम है। इसकी कार्यशाला उनके हॉस्पिटल में पहली बार आयोजित की गई है। ये एक पुणे की डॉक्टर पूर्वा हैं और डॉक्टर निहारिका, इन लोग के माइंड में आया कि स्ट्रेस जो होता है, जो तनाव है, उसको एक पेंटिंग करके दूर किया जाए। तो इसी पे एक वर्कशॉप जो है साउथ अमेरिकन पेंटिंग, जो भीली लोग, वहाँ के आदिवासी लोग जो करते थे, उसको सिखाया जा रहा है 25 लोगों को एक पॉट पे सुराही के ऊपर सफ़ेद रंग के ऊपर ब्लैक एंड वाइट से कलर करके। तो ये जब हम कलर करते हैं अपनी भावनाओं को उसमें व्यस्त करते हैं, चिड़िया तोते उसके ऊपर कप बनाते हैं, कितना सुंदर तरीके से इन लड़कियों ने, लेडीज़ ने किया है। तमाम रिसर्च से साबित हो चुका है कि आर्ट थेरेपी स्ट्रेस रिलीफ में एक कारगर थेरेपी के रूप में सामने आई है। अजय बहादुर, सी न्यूज, आगरा।